गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैनर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रिंटर में बटन को क्लिक करके एक जीयूआई से दूसरी जीयूआई पे स्विच कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से आपको जीयूआई को यूज करना है, मल्टीपल जीयूआई आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये एक जीयूआई ओपन होगी। यहाँ पर आपके दो बटन हैं, क्लिक हेयर एंड क्विट। जब मैं क्लिक हेयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक और जीयूआई ओपन हो रही है, इसका नाम है माई सेकेंड जीयूआई। इस जीयूआई में एग्जिट का बटन है और मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा ये एग्जिट हो जाएगी। और यहाँ भी एक क्विट का बटन है, जैसे मैं क्विट करूँगा तो आपका पूरा का पूरा कम्प्लीट प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल जीयूआई को यूज कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं अपने प्रिंटर में। चलिए देखते हैं कि हम कैसे इस जीयूआई को क्रिएट करेंगे, इस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। तो इस कोड को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओके, तो ये एक बेसिक सा कोड है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किंटर को इंपोर्ट किया हुआ है, फिर मैंने एक रूट विंडो बनाई है, फिर मैंने रूट को टाइटल दिया हुआ है इवेंट्स। इवेंट के बिहाफ पे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बटन्स। ओके, बटन्स इन किंटर कर दिया मैंने। उस रूट विंडो को मैंने की डायमेंशन मैंने दे दी कि इतनी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, चाहे तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर चेंज कर दी। अब मैंने एक लेवल बनाया है जो रूट के अंदर, जिसमें जो टेस्ट है माई फर्स्ट जीयूआई है, उसका बैकग्राउंड कलर आपका येलो है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर एफ जी यूज कर सकते हो, एफ जी इक्वल्स टू आपने यहाँ पर दे दिया रेड। ओके, तो उसका फॉरग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और फॉन्ट मैंने यूज किया है एरियल, जिसका साइज 36 है और जो कि बोल्ड है। अरे जो पैड वाई है इसको मैं यहाँ यूज ना करके, ओके, मैं इसको यहाँ यूज करूंगा, ठीक है। चलिए मैं भी आपको बताता हूँ एक्चुअली पैड वाई करता क्या है। पहले सिंपली मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार। ओके, ये मैंने रन कर लिया, माई फर्स्ट जी वाई आपका आ रहा है। आपका बैकग्राउंड कलर येलो है, फॉरग्राउंड कलर आपका रेड है, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो आ रही है, ये जो लाइन काफी से चिपक के आ रही है, मुझे इनके बीच स्पेस अगर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इस केसेस में क्या करता हूँ मैं, पैड वाई का यूज करता हूँ, ठीक है। कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मुझे इस लाइन में पैड वाई चाहिए, तो मैंने यूज कर दिया पैड वाई इक्वल्स टू, मैंने दे दिया 50। अब अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो स्पेस है ये आपका भी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने लाइंस के बीच में, अपने लेवल के बीच में आप स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, ओके, बाय यूजिंग द पैड वाई। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दो बटन क्रिएट करूंगा। ये मैंने दो बटन क्रिएट कर लिए, बटन B1 जो कि मेरा रूट है, जिसका टेस्ट है क्लिक हेयर। ओके, और इसमें कमांड में एक कमांड है, एक फंक्शन मैं बनाऊंगा सेकंड नाम से, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस फंक्शन पे आएगा और मैंने इसको पैक कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो अभी ये एरर देगा क्योंकि ये बोलेगा सेकंड नॉट डिफाइंड। ओके, तो फिलहाल ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है कि सेकंड नॉट डिफाइंड। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा BTN नाम से। अब ये जो बटन है क्विट का है, अगर आपको इमीडिएटली क्विट करना है तो उसके लिए आपको अलग से फंक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इनबिल्ट फंक्शन होता है आपका डिस्ट्रॉय नेम से, जो कि रूट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर यूज किया है रूट डॉट डिस्ट्रॉय। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे क्विट वाले पे, तो आप वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी बटन पे, किसी भी विंडो को अगर क्लोज करना है, तो आप डायरेक्टली वहां पर फंक्शन यूज कर सकते हो रूट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। उस रूट मॉड्यूल के अंदर एक डिस्ट्रॉय फंक्शन होगा जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अभी एक्चुअल में रूट क्या है, रूट आपका ये है, यहाँ पर ये जो रूट यूज किया है, अगर आपने अपनी विंडो का नाम विन रखा हुआ है तो आप विन डॉट डिस्ट्रॉय रखोगे, अगर आपने मास्टर रखा है तो मास्टर डॉट डिस्ट्रॉय रखोगे। तो जो भी आपकी विंडो का नया नेम है डॉट आपको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक। तो ये क्या है आपका, एक वो फंक्शन आपका यूज होगा। अब एक बार मैं इसको हटा के अगर इसको रन करूं तो आप देखोगे कि ये वर्क करेगा।
क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा तो नटिंग है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैंने कोई फंक्शनिंग इसको नहीं दी है। लेकिन जैसे क्विट करना चाहूंगा तो क्विट ये हो जाएगा क्योंकि क्विट पे मैंने डिस्ट्रॉय फंक्शन लगाया हुआ है। ठीक, चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इस पर विंडो को, एक दूसरी विंडो को आप अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करूंगा तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं जब इसको रन करूंगा। तो ये एरर आपको दे रहा है कि सेकेंड इज नॉट डिफाइंड, ऑल दो सेकेंड फंक्शन हमने बना दिया है बट ये क्या करेगा, इसको नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो ये जो कोड है, आप जो भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो तो वो जो फंक्शन आपको क्या करना है, इसके पहले डिफाइन करना है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन पहले होनी चाहिए, फंक्शन की कॉलिंग बाद में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने फंक्शन को कॉल पहले कर लिया और डिफाइन बाद में किया है तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, कमांड इक्वल्स टू आपका ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया। अब इस फंक्शन में कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने एक दूसरी विंडो बनाई है विन नाम से और उसकी ज्योमेट्री मैंने सेट करी है और उसका टाइटल मैंने दे दिया माई सेकेंड GUI, जिसमें मैंने एक लेबल बनाया है इस विन के अंदर जहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है माई सेकेंड GUI, उसका फॉरग्राउंड कलर रेड है, मैं चाहूँ तो उसको ब्लू कर दूँ, चेंज कर दूँ। जिसमें पैड वाई मैंने दिया हुआ है, पैड वाई मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या होता है 20, फॉन्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको पैक किया हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही बटन बनाया है क्विट एग्जिट नाम से और अगेन जिसको मैंने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। आप चाहो तो इससे भी एक और फंक्शन कनेक्ट करके इसमें एक हायरार्की बना सकते हो मल्टीपल विंडोज की, बट फिलहाल मैंने सिर्फ दो ही आपकी GUI बनाई है, उन दोनों को ही कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने इसको आपको पैक करके इस बटन को मेन लूप चलाया हुआ है। अब मैं अगर इसको रन करूं, ठीक, तो फाइनल जो मेरा आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जब मैंने इसको रन किया तो मेरी एक विंडो ओपन हो गई और मैंने जब इसको क्लिक किया तो मेरी सेकंड आपकी GUI ओपन हो गई। अब और जैसे ही मैं एग्जिट करता हूँ तो वो आपकी क्लोज हो गई, आप दोबारा क्लिक करूंगा तो वो दोबारा ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे एक बटन लगा के क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और विंडो को ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने इसको एग्जिट कर दिया तो आप दोबारा से अपने मेन मेन्यू पे आ गए। और अगर आप मेन मेन्यू पे भी क्या होगा, आपका एक एग्जिट बटन होगा और जैसे आप उसको एग्जिट करेंगे तो आपके मेन मेन्यू भी क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल विंडोज पे वर्क कर सकते हो प्रिंटर में, आपके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।